गुड इवनिंग टू एवरीबडी. टुडे वी विल एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 क्लास 5th इंग्लिश थिंक यू कैन. हमने ये चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है और वीडियो हमारी इस चैनल पे अपलोडेड है, सो प्लीज़ आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन उससे देख सकते हैं. उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा. सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर पे हमने देखा कि एक्सरसाइज में अब MCQ क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और आजकल तो अभी इस सेशन में इस ईयर पे आपको MCQ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस को करना. सो लेट्स स्टार्ट. हियर्स द वर्ड बीटन मीन्स. यहाँ आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ वर्ड का इस पोयम में थिंक यू कैन पोयम में बीटन वर्ड्स की क्या मीनिंग है. सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टैंजा पे फर्स्ट लाइन पे देखा था इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप हारे हुए हैं तो आप हारे हुए हैं. तो हमने देखा था यहाँ उनका बीटन से मतलब इस चैप्टर पे वो कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप हारे हुए हैं, हार चुके हैं, ज़िंदगी से पराजित हो चुके हैं, तो सच में आप हार गए हैं. सो हार जाना, हार जाना के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है. हार जाना का सिनोनिम वर्ड्स कौन सा है यहाँ हम देखेंगे. डिफिटेड, डिफिटेड मतलब होता है अगेन, ये भी पास्ट फॉर्म है, बीटन होता है आपको भी पता है, तो ये भी डिफिटेड भी पास्ट फॉर्म है. सो बीटेड डेफिनेटली डिफिटेड हो सकता है क्योंकि डिफीट होना मतलब होता है पराजित होना, हार जाना. सो ये एक ऑप्शन हो सकता है, हम इसे ऑप्शंस पे रखेंगे, बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे. कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड की मीनिंग होती है नियंत्रण में होना, तो नियंत्रण में होना और हार जाना का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर सी टू हिट. टू हिट मतलब मार देना. अगर बीट यहाँ पे होता, वर्ड होता BEAT बीट, तो बिल्कुल आप लिखते हैं मारना को, बीट भी बोलते हैं, बीट करना, पीटना, लेकिन यहाँ पे बीटन दिया हुआ है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी नॉट सुटेबल. ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. सो हमने देखा ए ऑप्शन हमें हमारे आंसर से रिलेटेड भी है और वही आंसर होना चाहिए. सो आप क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए पे टिक करेंगे. द राइट आंसर द वर्ड बीटन मीन्स डिफीटेड. क्वेश्चन नंबर टू इज द वर्ड डेट मीन्स डिटर्मिनेशन ईज. इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है. सो डिटर्मिनेशन एज वी नो द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन इज द क्वालिटी टू डू एनीथिंग वेदर विट्स विथ लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी. सो जब कभी आप किसी भी डिफ़िकल्टी के बावजूद किसी काम को करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन वर्ड्स की ये मतलब होता है कि जब बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, अगर आपने जैसे अगर आपने मान लिया आपको 100 out of 100 अचीव करनी है और उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया और उसके लिए मेहनत किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी डिटर्मिनेशन. तो यहाँ वर्ड कौन सी ऐसी बता रही है, डेयर. डेयर की मीनिंग हमें पता है कि डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, सो इट इज़ नॉट. बी सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ये भी नहीं. सक्सेस की मीनिंग होती है सफल होना. एंड डी इज़ विल, विल पावर, तो विल इच्छा शक्ति. सो जो राइट नियर टू सिनोनिम है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विल. द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड हियर. इट हियर स्टैंड्स फॉर. यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन पे हमने देखा था सक्सेस बिगिंस विथ अ फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. सो सक्सेस, कभी भी सफलता की शुरुआत होती है किसी भी पर्सन की इच्छा शक्ति से. इट्स ऑल सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस को ही फिर इट कह दिया गया. प्रोनाउन हम जानते हैं कि नाउन से रिप्लेस कर दिया गया है सक्सेस को इट से. सो इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. ये सब सफलता केवल मन की स्थिति पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है. तो यहाँ इट का मतलब क्या होगा, सक्सेस. सो हम इसी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, वी विल टिक ऑन द ऑप्शन सक्सेस. सक्सेस यहाँ कहाँ है, विल स्ट्रेंथ सक्सेस माइंड. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सक्सेस. द फोर्थ क्वेश्चन इज
इट इज सर्टन दैट मैन हु थिंक ही डैश विल नॉट विन. इट्स सर्टन, सर्टन मीन्स निश्चित है, ये निश्चित है दैट कि अ मैन हु थिंक्स ही, एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि वह विन विल नॉट विन, जीतेगा वो नहीं जीतेगा. अब यहाँ पे हमें देखिए, एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि वह जीतेगा वो नहीं जीतेगा, सो ये वर्ड कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी भी हमें लग रही है. और लास्ट में आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको स्टैंजा पे मिलता है कि द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन. सो वही जीतता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है. लेकिन सो कौन जीतता है यहाँ पे, लेकिन नॉट विन लगा दिया गया है, विन विल नॉट विन. तो जो सोचता है वह, यहाँ पे आपकी स्टैंजा पे हमने देखा ही हु कैन विन, वो ऐसा पर्सन जो सोचता है कि वो जीत सकता है, वो जीत सकता है. तो ऑप्शंस आपको यहाँ खुद से ब्रेन अपना यूज़ करना है कि जो सोचता है कि जो जीत सकता है वो जीत सकता है, तो जो नहीं सोचता है कि वो जीत सकता है वो नहीं सोचता है. तो कैन यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैन नॉट. सो ही कैन नॉट विन, विल नॉट विन. सो यहाँ आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, वो व्यक्ति जो सोचता है कि वह नहीं जीत सकता है वो नहीं जीत सकता है. ये ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज डैश विल डेफिनेटली विन. एक ऐसा पर्सन जो कि कौन हमेशा जीतता है, कौन हमेशा किसकी जीत होती है. अब सो ऐसे कौन से, हमने पोयम पे देखा था थिंक यू कैन की राइटर ने बताया कि सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आपको लगता है आप जीत सकते हैं, अगर आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं. सो यहाँ आंसर क्या आएगा, कौन हमेशा किसकी विजय पक्की है, कौन ऐसे हैं जो जीतते हैं. तो स्ट्रॉन्गर तो नहीं है क्योंकि राइटर ने क्लियर किया है दैट स्ट्रॉन्गर और फास्टर. इट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग स्ट्रॉन्गर हो और फास्टर हो वही जीते, क्विकर हो वही जीते. सो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, बी डी भी नहीं. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की मतलब ही ये होती है कि आपको विश्वास होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है और आप उस पर विजय पाएंगे. और इसी के बारे में थिंक यू कैन पूरी पोयम भी है कॉन्फिडेंस के बारे में. सो द राइट आंसर विल बी आत्मविश्वास. इसे ही हम कहते हैं आत्मविश्वास, आपके अंदर का विश्वास कि आपको लगता है हाँ आप कर सकते हैं. सो राइट आंसर विल बी द पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट विल डेफिनेटली विन. एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट है वो डेफिनेटली विन करेंगे. साथ ही साथ सो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन आंसर्स के. सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे राइटिंग पोर्शन पे आपके दिया हुआ है, इस पे एक इमेज दी हुई है जैसा आप देख सकते हैं, दैट इज़ वन इमेज. और इस इमेज पे एक चाइल्ड को दिखाया गया है और इस पे आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो चाइल्ड, आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर्स रहते हैं, कई बच्चों से काम कराए जाते हैं मनी के लिए. सो आपको क्या लगता है कि ये सही है, आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है. और किस पे एक्सप्लेन करना है, मस्ट का यूज़ करते हुए. इसीलिए राइटर ने यहाँ पे देखिए आपको हिंट दिया हुआ है, दे मस्ट बी सेंट टू स्कूल, दे मस्ट बी प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़. तो ऐसी कौन सी चीज़ है, आपको 40 वर्ड्स में लिखनी है. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे मस्ट बी प्रोवाइड बेसिक एजुकेशंस, दे मस्ट बी प्रोवाइड गुड फूड, दे मस्ट बी प्रोवाइड अ क्वालिटी लाइफ, they must be educated by resourceful person, they must be provided all the important resources. इस तरह से आप इस सेक्शन को लिख सकते हैं. सो दस वी हैव कम्प्लीटेड, क्योंकि एक्सरसाइज पे यही पोर्शन है इस चैप्टर की. सो हमने एक्सरसाइज के सारे पोर्शन कम्प्लीट कर दिया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट, डेफिनेटली वी विल reply you and we will answer your questions. And please subscribe our channel so that इस channel पर आपको सारे school से related सारी चीज़ें, सारे videos मिल जाएंगे as per your choice. And thank you for watching. Thank you so much.